हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर से। आज हम सीएलसी द्वारा हरियाणा स्टेट में आयोजित कास्ट के एग्ज़ाम सीएलसी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट के केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 to 27 कास्ट के पेपर में केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में द करेक्ट फार्मूला ऑफ द रस्ट इज, रस्ट यानी जंग का करेक्ट फार्मूला पूछा गया है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सीधे सीधे आंसर जाता है फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XS2O, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स के लिए एक एग्जांपल Na2CO3। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड HCl के साथ में करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NaCl प्लस CO2 गैस एंड साथ में वाटर रिलीज होता है, तो आंसर जाएगा CO2 गैस। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने डिस्प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट है फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl मीन्स लिक्विड NaCl, सॉलिड NaCl आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक सॉलिड है। ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, एंड कॉपर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन फ्री आयंस Na+ एंड Cl-, फ्री आयंस चार्ज कैरियर प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फ्यूज्ड NaCl में भी NaCl, Na+ एंड Cl-, फ्री आयंस मिल जाते हैं अपने को, इस वजह से फ्यूज्ड NaCl भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्राइन सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट सॉलिड NaCl आयनिक क्रिस्टल से सॉलिड फॉर्म में कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो आंसर विल बी सेकेंड, सॉलिड NaCl। क्वेश्चन नंबर 18 होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीधा मीथेन इथेन एंड प्रोपेन, इनके लिए फॉर्मूले लिखें CH4 मीथेन इथेन C2H6 एंड थर्ड प्रोपेन C3H8 आर सेट टू फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर, कि इनको होमोलोगस सीरीज क्यों बोला जाता है, ये होमोलोगस सीरीज के होमोलोग्स मेंबर्स क्यों हैं, उसका रीजन पूछा है हमसे। तो होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि टू, जो भी दो होमोलॉग्स हैं उनके बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। अगर इन तीनों स्पीशीज को चेक करें तो मीथेन एंड इथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट इथेन एंड प्रोपेन के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों तीनों के तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज के होमोलॉग्स हैं, और तीनों के लिए एल्केन सीरीज है, मींस इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो होमोलोगस सीरीज के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए एक CH2 ग्रुप या फिर 14 मॉलिकुलर वेट का। तो इनको होमोलॉग्स क्यों कहा जाता है, इसके लिए ऑप्शंस दे रखें हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इनके अलावा और भी हैं, एथेन के साथ में, मेथेन के साथ में, या फिर प्रोपेन के साथ में एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन भी रख सकता था वो भी हाइड्रोकार्बन से, बट वो CH2 या फिर मॉलिक्यूलर वेट 14 से डिफर नहीं है तो होमोलॉग्स नहीं बनेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होमोलॉग्स आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड, तो ये भी आंसर नहीं जाना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो एलिफेटिक होने के साथ साथ एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, तो ये आंसर भी नहीं जाना। बट ये कंफर्म है अगर एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। सो आंसर विल बी फोर्थ,
differ from each other by CH2 group. Question number 19 IUPAC nomenclature se related question hai. Ek compound ka molecular formula aapke samne hai aur iske liye IUPAC name pucha gaya humse. IUPAC naming ke liye first rule, select the principal carbon chain, second numbering of the selected carbon chain and third naming. To is molecular formula ke according agar apan baat kare to ye functional group containing molecular formula hai. To functional group carbon containing hai aur carbon containing functional group ke liye carbon chain ka selection hum carbon containing functional group se start karke longest carbon chain select karte hain. Is compound mein longest carbon chain 4 membered carbon chain. Ab isse carbon chain ka numbering karenge. तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन चेक करें तो फंक्शनल ग्रुप को अपन पहले नंबरिंग देंगे उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स को. तो नंबरिंग स्टार्ट CHO ग्रुप से करेंगे 2, 3 एंड 4. इस चेन में थर्ड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, देन कार्बन चेन और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप. सो इसका नेमिंग अगर लिखें तो होगा थर्ड पोजिशन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं आइडेंटिकल हैं 3, 3. तो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अपन डाई टर्म यूज करेंगे, देन मिथाइल डाई मिथाइल, देन कार्बन चेन का नेम 4 कार्बन कंटेनिंग है ब्यूटेन, एंड उसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप है CHO एल्डिहाइड इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है एल. सो नेम 3, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन एल एंड आंसर विल बी थर्ड. क्वेश्चन नंबर 20 पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, बस जिस पर बेस्ड था उसको मिस किया गया है. तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक मास, सेकंड एटॉमिक वॉल्यूम, थर्ड एटॉमिक नंबर एंड फोर्थ डेंसिटी. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस था एटॉमिक नंबर पे, सो आंसर विल बी थर्ड एटॉमिक नंबर. क्वेश्चन नंबर 21 अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है. द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड. अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर अपन निकलते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, और इसके लिए अपने को रीजन देना है, इसे एक्सप्लेन करना है. द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज. तो अक्रॉस ए पीरियड निकलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियाई का जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता चला जाता है, दैट मीन्स रेडियाई डिक्रीज होता है. सो आंसर विल बी थर्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा गया है. 21 में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का रीजन था. क्वेश्चन है 22 अमंग ऑक्सीजन कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पहले हम इनका अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. तो कार्बन के बाद में नेक्स्ट फैमिली आता है नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली से एलिमेंट मिस है, कोई एलिमेंट नहीं है. देन उसके बाद में ऑक्सीजन फैमिली, देन हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप निकलते हैं तो फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट निकलते हैं तो रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है, बट अप टू डाउन जाने पर रेडियाई इंक्रीज होता है. उसका रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं. तो इनमें से लार्जेस्ट साइज जो है वो ब्रोमीन का है, देन क्लोरीन का, और जो स्मॉलेस्ट साइज है लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज हो रहा है, स्मॉलेस्ट साइज है फ्लोरीन. तो अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन से बिगर साइज होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के देन कार्बन क्लोरीन एंड ब्रोमीन.
तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और अगर ये ऑप्शंस में चेक करते हैं तो ऑप्शन थर्ड में फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 मैचिंग का क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप को मैच करवाया गया है और ये क्वेश्चन भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में चार फंक्शनल ग्रुप के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिए गए हैं और उन फंक्शनल ग्रुप्स के नेम दिए गए हैं, इनको मैच करवाना है। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें अपन COH, तो COH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मीन्स P के साथ में मैच करता है, सेकेंड ऑप्शन। देन Q, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन सीरीज का ये फंक्शनल ग्रुप है, सो ये कनेक्ट होता है फोर्थ से। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर चेक करें इस सेकेंड से तो ये मैच करेगा फर्स्ट से। एंड S में कार्बोनाइल ग्रुप दिया गया है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप है, सो लिस्ट सेकेंड से देखें तो यहाँ पे मैच करता है थर्ड। सो पी क्यू आर एस मैच करेगा 2, 4, 1, 3, और इसे मैच कर रहे हैं तो 2, 4, 1, 3 थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, सो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 ये एलिमेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेटल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जॉन रिफाइनिंग एक प्रोसेस है मेटल के प्योरिफिकेशन का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल अगर प्राप्त करना हो अपने को तो फिर जॉन रिफाइनिंग यूज किया जाता है। जनरली सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन के लिए जॉन रिफाइनिंग यूज किया जाता है, तो जॉन रिफाइनिंग से इंफॉर्मेशन पूछा कि जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द, तो मेटल के प्योरिफिकेशन में यूज होता है ये। ऑप्शंस को चेक करें, कंसंट्रेशन ऑफ एनोर इनकरेक्ट है, रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इनकरेक्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल करेक्ट आंसर, सो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन लिस्ट वन और सेकंड को मैच इनका क्वेश्चन है। कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं और उनके मॉलिकुलर फॉर्मूला को उनके साथ में मैच करवाना है। फर्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। सो पी जो है मैच करता है फोर्थ के साथ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फोर्थ। वॉशिंग सोडा यह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, आपको सोडियम कार्बोनेट एज ए मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है थर्ड में, सो क्यू जो है वो मैच कर रहा है थर्ड के साथ में। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, सो आर मैच करेगा सेकंड ऑप्शन के साथ में। एंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसको, ये मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में। तो पी क्यू आर एस का लिस्ट सेकेंड में मैच बन रहा है 4, 3, 2, 1, और ये ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है आपको, सो आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे साहिल और समीर दो प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं और इनके ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो क्वेश्चन है, साहिल एंड समीर कंडक्ट टू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एज शोन इन द गिवन फिगर, द रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन एज। तो ये इनके चार ऑब्जर्वेशन इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, प्रैक्टिकल है अपना एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को साहिल एंड समीर ने हीट किया है, तो अगर लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखें PbNO3 2, अगर इसको हीट किया जाए तो ये डीकम्पोज होता है PbO+NO2 गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन। PbO लेड ऑक्साइड जो है एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है अपने को, NO2 ब्राउन कलर का गैस है, मींस एक्स वेपर जो मिल रहा है अपने को वो NO2 का मिल रहा है। एंड एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है FeSO4.7H2O, और अगर इसे हीट किया जाए
तो इनिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल स्टेप है इस क्रिस्टल में वो वेपराइज होंगे और फेरस सल्फेट जो हाइड्रेटेड है वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा FeSO4 प्लस H2O। और अगेन अगर इसका हीटिंग किया जाता है तो ये डीकम्पोज होता है और इसके डीकम्पोजिशन से मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, कलरलेस गैसेस हैं, लेकिन बैड स्मेल वाली सल्फर बर्निंग का स्मेल देती हैं ये SO2 एंड SO3। तो अब इनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं, साहिल और समीर ने जो ऑब्जर्वेशंस किए उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका, इन द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट अपना ये है, इसमें येलो रेजिड्यू प्रेसिपिटेट जो है वो मिल रहा है लेफ्ट बिहाइंड, वाइल इन एक्सपेरिमेंट टू रेडिश ब्राउन सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये भी सही है, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन है इनका। सेकेंड, इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स टू डिफरेंट गैसेज वर गिवन आउट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में NO2 बाहर आता है, जबकि सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में SO2 एंड SO3 डिफरेंट गैसेज हैं, यानी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। देन थर्ड, द कलरलेस गैस इवॉल्व इन एक्सपेरिमेंट वन। एक्सपेरिमेंट वन में कलरलेस गैस नहीं है बल्कि कलर्ड गैस इवॉल्व होता है, ब्राउन गैस, यानी थर्ड एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। देन द ग्लोइंग स्प्लिंट वाइल द गैस इवॉल्व इन एक्सपेरिमेंट टू टर्न्स ग्रीन सॉल्यूशन टू एसिडिफाइड KMnO4 इनटू ऑरेंज, ये भी नहीं है। SO2 और SO3 जो है वो ग्रीन सॉल्यूशन को ऑरेंज नहीं, ऑरेंज टू ग्रीन कन्वर्ट करेगा, एसिड ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं दोनों की दोनों गैसेज। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो एक ऑब्जर्वेशन थर्ड इनकरेक्ट हो चुका है अपना। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एक्स इज अ रेडिश ब्राउन गैस, एक्स इज अ रेडिश ब्राउन गैस करेक्ट है, वाइल गैस वाई एंड जेड बोथ, वाई एंड जेड SO2 एंड SO3 बोथ हैव बर्निंग सल्फर स्मेल। तो दोनों में बर्निंग सल्फर स्मेल मिलता है, तो ये करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट था, फर्स्ट भी करेक्ट था, ओनली थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है, सो आंसर विल बी सेकेंड। एंड इस पेपर के केमिस्ट्री पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द गैसियस हाइड्रोकार्बन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन C2H2, एसिटाइलिन, द गैसियस हाइड्रोकार्बन एसिटाइलिन C2H2 यूज्ड इन वेल्डर स्टोर्स। ये वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, वेल्डर स्टोर्स, क्योंकि इसके कंबशन से हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। व्हेन वन मोल ऑफ C2H2 अंडरगोज कंबशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कंबशन किया जा रहा है इसका, अगर इसका कंबशन किया जाए, कंबशन मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 H2O एंड साथ में रिलीज होता है हीट। तो फर्स्ट है, कंबशन ऑफ एसिटाइलिन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट है, हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन इज, तो अगर बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें तो बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड RHS एंड LHS इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसे इक्वेशन को चेक करते हैं तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड, इस बैलेंस्ड इक्वेशन की रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से अपन चेक करें तो 2:5:4:2 मीन्स अगर 2 मोल CO एसिटाइलिन C2H2 का कंबशन किया जाता है तो 4 मोल CO2 रिलीज होता है। 2 मोल एसिटाइलिन का अगर मॉलिकुलर वेट चेक करें तो 1 मोल का मॉलिकुलर वेट होता है 26, तो 2 मोल का हो गया 52, यानी 52 ग्राम से रिलीज होगा CO2 4 into 44।
अब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला गया है टू मोल ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट. तो इस रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो टू मोल के साथ में वाटर रिलीज होगा टू मोल. ये करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड भी. देन फोर्थ, फिर से अगेन इस रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 26 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट. 52 ग्राम से रिलीज हो रहा है 4 × 44. तो अगर इसका हाफ करते हैं यानी 26 ग्राम से रिलीज होना चाहिए 2 × 44, दैट मीन्स 88 ग्राम CO2 रिलीज होना चाहिए. जबकि स्टेटमेंट बोल रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो आंसर विल बी फोर्थ. थैंक यू स्टूडेंट, गुड लक.